जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर एवीएम स्कूल फॉर ऑनलाइन क्लास ई क्लास। टुडे इज मंडे, मंडे इज क्लास फॉर द सेवंथ क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे वी रीड अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड पास्ट इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वेयर वी यूज पास्ट इंपरफेक्ट टेंस, this tense is used along with past indefinite to express one of the two actions which occurred in past one after the other. iska tense ka use past indefinite tense ke sath kiya jata hai, yani jo kaam pehle ho chuka tha aur mere aane se pehle wo wahan pahunch chuka tha, school ki ghanti bajne se pehle main wahan school pahunch chuki thi, तो उन दोनों सेंटेंस के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दैट एक्शन व्हिच ऑक्यूर्ड फर्स्ट। इस टेंस का यूज पहले किया जाएगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो हैड गॉन यानी पास्ट जो आपका है, पास्ट परफेक्ट टेंस वो पहले यूज किया जाएगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। एंड दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर द एक्शन व्हिच ऑक्यूर्ड इन रिमोट पास्ट, यानी जो अभी अभी काम हो चुका था उसके लिए भी। रिमोट पास्ट यानी अभी अभी तत्काल में जो काम हो चुका था उसके लिए भी इस टेंस का ही यूज किया जाता है। For example, I had told him about it long ago. मैंने इसके बारे में तो पहले से ही बता दिया था, है ना? तो जो काम रिमोट पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज किया जाता है। अब आता है इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी इन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई हैड गॉन, मैं जा चुकी थी। ही हैड गॉन और नेगेटिव इसका ही बनाएंगे तो ही हैड नॉट गॉन, ही हैड नॉट गॉन। और इसका इंट्रोगेटिव हैड ही गॉन, हैड ही गॉन क्वेश्चन मार्क, एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैड ही नॉट गॉन, had he not gone. Okay students, यानी present perfect और past perfect में इसमें काम हो चुका था, indefinite tense और perfect tense का साथ में ही use किया जाता है। Okay students, take the screenshot and write in your notebook. Now students, past perfect continuous tense, this tense is used to express such actions which were in progress at the time of speaking and which began sometime before the time of speaking. यानी जो काम पहले चल रहा था उसी की बात हो रही थी, यानी अभी नहीं, जो पास्ट में बीता हुआ था उस काम के लिए बात हो रही थी। मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था, है ना? उस समय के साथ में जब इसका यूज किया जाता है तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज करते हैं। सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। ओके, इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम का यूज किया जाता है। अब सारे सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन वर्ब में हैड बीन का यूज किया जाएगा, यानी हैज और हैव का नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव था, और प्रेजेंट इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का यूज किया जाएगा। और आपके जब ये पेपर हुआ तो काफी बच्चों ने सिंस और फॉर का भी बहुत मिस्टेक की है। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम में, इसमें यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिसको फिक्स टाइम दे रखा हो, जिसका एक फिक्स टाइम दे रखा हो, जैसे मैं 3 बजे से 3 o'clock यानी 3 बजे से मैं ये काम कर रहा था,
यानी एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, मॉर्निंग से मैं काम कर रहा था। अब आप कह रहे हैं जिसमें दो दिन से काम कर रहा, दो दिन कौन से, उसमें कोई फिक्स नहीं दे रखा हो, तो फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम में। किसमें यूज किया जाएगा, वेर वी यूज पीरियड ऑफ टाइम, फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम में। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे मैंने ये आपको सेंटेंस डाला, फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। Okay, students.